ये चौथा दिन मेरा आज चल रहा है और आए चिकित्सा और मुझसे लिखा है थोड़ा सा खून निकाले, उसके बाद बोल रहे हैं कि रिफ़र करना पड़ेगा। लेकिन मेरे शरीर में कोई ऐसी अभी तक चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा पेट दर्द कर रहा था, रात को दवा कराए ठीक था, लेकिन इस टाइम का तो फ्राड एकदम फ्राड किए हैं कि अनशन किसी तरह तोड़ाया जाए और इनको यहाँ से भगाया जाए। अभी भी फिराक में हैं कि मतलब चाहे SDM साहब का चाल हो या तहसीलदार साहब का चाल हो कि मतलब यहाँ से अनशन किसी तरह से तोड़ाया जाए और इसको रात को टंगवा दिया जाएगा। लेकिन मैं बड़े बड़े अधिकारी या किसी शासनादेश से अपना संदेश इस चैनल से पहुँचाना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से अनशन तोड़ूंगा नहीं। ज़बरदस्ती से भले कोई तोड़ाए लेकिन टूटेगा नहीं अनशन। कहीं भी मुझे टांग के ले जाएंगे, अनशन जारी रहेगा मेरा। मेरा अगर अस्पताल भी ये लोग ले जा रहे हैं तो भी अनशन जारी रहेगा। इनको जितना दवा दारू मुझे कराना रहेगा भले कराएंगे, लेकिन अन्य मैं नहीं ग्रहण करूंगा। और दूसरा भी कहना चाहूंगा कि मेरा एक दूसरे भाई या मेरे ग्रामीण यहाँ पे आके धरना देंगे और बैठेंगे जब तक कि मुझे न्याय नहीं मिल जाता है। भारत सरकार का मंशा है कि भारत स्वच्छ हो, भारत उज्ज्वल हो। केवल ये नारा गलत है, मैं आज कहता हूँ केवल नारा यह गलत है भाजपा का, सरकार का, कि जो मेरे गांव में आके देखे कि मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तरफ से कितना शौचालय बने हैं और नरेगा से कितना काम हुआ है। केवल फर्जी काम कागज पे हुआ है, मौके पे काम नहीं हुआ है। मैं इसीलिए तहसीलदार महोदय से, SDM महोदय से, जिला अधिकारी महोदय से, BDO महोदय से कई बार अवगत कराया कि मतलब 5 मिनट का टाइम लेकर के आज देख लें। आज मुझे चौथा दिन हो गया और 4 दिन इससे पहले मैंने कंप्लेन किया था कि मैं अनशन पे बैठूंगा, यानी 8 दिन हो गया। 10 मिनट का जांच है कि मैं जो कागज दे रहा हूँ बिल वाउचर के साथ दे रहा हूँ कि उन्होंने वो चीज़ बनवाया है, ये भी नहीं देखना है कि नहीं बनवाया है। बनवाया है बिल वाउचर के साथ में मैं दे रहा हूँ, लेकिन इन अधिकारियों को 10 मिनट टाइम नहीं है कि मेरे गांव में जाएं और देख लें इंटरलॉकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। मिट्टी का काम मान लीजिए बाढ़ में बह जाती है हर साल, ये तो विकास खंड अधिकारी का कहना है कि हर साल बह जाती है, लेकिन पक्का काम तो नहीं बहता है। लगाया है 100 वाट के बल्ब टांग करके स्ट्रीट लाइट का खर्चा दिखाया है, अन्य काम का घोटाला किया है, एक काम को 2-2 बार दिखाया है। अब इतना भ्रष्ट प्रशासन शासन हुआ तब मुझे अनशन मजबूरन में बैठना पड़ा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अनशन जारी रखूंगा। मतलब प्रशासन द्वारा मान लीजिए आदेश दे महोदय तो मुझे कहीं भी टांग के पहुंचा दिया जाए, लेकिन मेरा अनशन टूटेगा नहीं। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी अधिकारी को और सभी वो को जनाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।